बात करते हैं गुजरात के अरावली जिला के मालपुर तालुका की। कितनी गरीबी में जी रहे हैं लोग, जिनके पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं है। लोग सरकार से मांग करते हैं उनकी मदद की जाए और उनका कहना है लॉकडाउन के बाद उनको रोजगार दिया जाए ताकि लोग आसानी से अपना गुजारा कर सके। यहाँ जो महिला है हमारे पास में, उन्होंने उनकी काफ़ी शिकायतें हैं कि हम गांव में से रहते हैं, हमें धंधा रोजगार के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है लेकिन कभी भी हमें कोई पता नहीं कि भाई निगम डिपार्टमेंट से कहीं से कुछ मिलता है। तो आज हमने गांव में मुलाकात की है तो वो महिलाओं की ये रजूआत है कि इस मीडिया के माध्यम से हमें धंधे रोजगार के लिए सरकार की लोनें जो मिलती है, गृह उद्योग मिलता है, तो वो करने के लिए हम तैयार हैं। इनके पास 20 से 25 महिलाओं का संगठन है और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो गुजरात के रूपाणी सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बताना चाहते कि हमें रोजी रोजगार दीजिए और हमें हमारे घर की, मोदी साहब का सपना है, सपना सबका घर हो अपना और दो वक्त की रोटी कमा सके। तो हम इनसे बात करते हैं। तुम्हारा कई गाँव? हमारा गाँव एमपुरा। तो आपको अभी जो ये लॉकडाउन है तो आपके पास 20-25 महिलाओं का संगठन है, तो अगर आपको कोई रोजी रोजगार मिले तो काम करने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार। और गृह उद्योग भी चाहिए आपको? हाँ। 20-25 महिलाओं का संगठन है आपके पास? हाँ। आपका नाम? मारू नाम गीताबेन भरत भाई। और हिंदी में बोलो, जोर से बोलो। हाँ, फिर दिन बोलो। मारू नाम गीताबेन भरत भाई। इनका नाम बक्सीपन समाज के है, ठाकुर समाज से, कोई विचरती जाति से भी है, सभी पीड़ित और गरीब व्यक्ति है। तो अभी जो इन्होंने इंटरव्यू दिया तो इसके हिसाब से अनुरोध करते हैं कि इनकी मांगे पूरी हो और जैसे ही ये लॉकडाउन खुले या तो इनके लिए सरकार को योजना का बंदोबस्त करे। आज़ाद न्यूज़, मुन्नाराज मंसूरी। जय हिंद, जय भारत। गुजरात, अरवली, मोड़ासा।